सम ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 91 सेंटीमीटर, और कह रहा है उनका जो डिफरेंस है उनके एरिया का वो 2002 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताना है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। अब मैं नहीं जानता आप पाई वाई मान के कैसे करोगे, मुझे क्या आता है मैं बताता हूँ। मुझे आता है कि मेरा जो भी स्टैंडर्ड सर्किल होता है उसका एरिया होता है 154, रेडियस 7, पेरीमीटर 44, एरिया 154। उस 154 के टर्म्स में मैं निकालने वाला हूं कि एरिया डिफरेंस क्या है। ठीक है, आप कहोगे कि 154 के टर्म्स में अगर ये वैल्यू 2002 है तो मैं निकालूंगा 1 के करिस्पॉन्डिंग क्या होगा। 154 मेरे पास यहां है, तो आप क्लियरली यहां पर जरा ध्यान से देखना ये वैल्यू क्या आने वाली है। 10 टाइम्स आपको मिल जाएगी 1540, 1540, पर अभी वैल्यू 1540 तो नहीं है, 462 मुझे और दिख रहा है ना, जो ऐड करेंगे तब 2002 मिलेगा। और ये वैल्यू देखो जरा, 154 का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो ये 10 टाइम्स हुआ, ये आपका 3 टाइम्स हुआ, यानी टोटल वैल्यू ये कितनी हुई, 13 टाइम्स, राइट। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं स्टैंडर्ड सर्कल से इसको कंपेयर करूं तो जो यहां डिफरेंस है एरिया का वो क्या है, 13 टाइम्स स्टैंडर्ड सर्कल के एरिया से। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके देखिए मैं आंसर कितनी आसानी से लगाने वाला हूं। देखिए मुझे ये पता है कि अब मैं 91 को इस तरह से ब्रेक करूंगा रेडियस में, क्योंकि तो मुझे पता है एरिया का रिलेशनशिप क्या होता है, स्क्वायर ऑफ रेडियस होता है। तो अब मुझे रेडियस को इस तरह से ब्रेक करना है, क्योंकि तो देखिए 7 का मल्टीपल है, आप अगर इसको ध्यान से देखो तो 7 का मल्टीपल है। मुझे अब 2 रेडियस ऐसे निकालने हैं कि उनके जो स्क्वायर का डिफरेंस आया है, ठीक है, वो मुझे 13 दे दे। तो आप जरा ध्यान से देखो, कुछ वैल्यूज मैं हिट एंड ट्रायल करने वाला हूं कि अगर आप यहीं से आप देखना शुरू करो तो क्या 63 होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि 63 को अगर आप ध्यान दोगे तो जो अगली वैल्यू है वो 28 हो गई। अब 68 और 63, सॉरी 63 और दूसरी वैल्यू कितनी हो गई, 28 हो गई, एक हो गया रेडियस 9 टाइम्स। अगर मैं 63 की बात करूं तो ये वैल्यू क्या हो गई सर आपकी, मैं वही कह रहा हूँ, ये वैल्यू 28 हो गई। 9 टाइम्स रेडियस, 4 टाइम्स रेडियस, 9 टाइम रेडियस का मतलब 81 टाइम्स एरिया, और ये 4 ही टाइम्स है, 16 टाइम्स, 81 माइनस 16, 13 तो कभी नहीं आने वाला। ठीक है, मतलब 13 खो जाऊं, मुझे तो करीब जाना पड़ेगा, करीब जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बड़ा गैप हम नहीं रख सकते, हमें 2 नंबर्स ऐसे देखने हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो, 13 हो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा 49 को, ये 49 हो गया, ये 42 हो गया, ये 49 हुआ, ये 42 हुआ। ठीक है, 49 कितना है रेडियस का, 7 टाइम्स, एरिया कितना होगा, 49 टाइम्स, 42 कितना है, 6 टाइम्स, एरिया कितना होगा, 36 टाइम्स। देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 13 आ रहा है कि नहीं, यस, यही मुझे चाहिए था। स्टैंडर्ड सर्कल का इस्तेमाल करके हमने कितनी आसानी से आंसर निकाल लिया, और आंसर 49 इसलिए मार्क किया सर क्योंकि उन्होंने लार्जर पूछा है तभी मार्क किया। अब देखिए इतना भी जो आपने अभी हम लोग यहां पर कर रहे हैं इस प्रोसेस में, ठीक है, जो चीजें हम लोग यहां पर कर रहे हैं, आपको एक चीज कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने की जरूरत थी कि हमें स्टैंडर्ड सर्कल को यूज कैसे करना है, वरना आप फिर पाई वाई के टर्म्स में जाके इस क्वेश्चन को आगे कहीं ना कहीं कर पाओगे। तो ये सावधानी आपको कहीं ना कहीं बरतनी है ना, कि कैसे इस्तेमाल करना है जो आपको आता है कि आपको आंसर आसानी से मिले। मुझे कैलकुलेशन में तकलीफ नहीं होती, मैं कैलकुलेशन बहुत आसानी से करता हूँ, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बिना पेन के होता है, मतलब आई विल नॉट रेज पेन की इस क्वेश्चन को करने के लिए, है ना, क्योंकि मुझे 13 टाइम्स भी आसानी से दिख जाएगा, और 13 अगर देखेगा तो ये कॉम्बिनेशन निकालना तो बहुत ही आसान है। ठीक है, 49, 36 का डिफरेंस, भाई सोचो कौन से ऐसे स्क्वायर नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 13 है, आपको मिलेगा 49 और 36 का डिफरेंस 13 होता है। 49 कैसे आएगा, आपको पता है 7 टाइम्स रेडियस जब होगा तभी 49 आएगा, तो आपका जो रेडियस हुआ, जो आपका रेडियस हुआ वो तो आ गया ना कि 49 होगा, 7 टाइम्स रेडियस ऑफ 7, 49 हो गया। तो ऐसे करके आंसर कितनी आसानी से निकल जाएंगे। ठीक,